Welcome back, my dear kids, with another chapter of our science book by Brain Root series. The name of our book is Science Spark Class 2. आज हम chapter number 8 start करेंगे और हमारे chapter का नाम है Housing and Clothing. इस chapter में हम different houses के बारे में पढ़ेंगे और कपड़ों के बारे में पढ़ेंगे. तो चलिए अपना chapter start करते हैं. In this chapter, you will learn about different type of houses, a good house and clothes we wear. वो कपड़े जो हम पहनते हैं. Before we start the chapter, first we will do warm-up exercise. तो चलिए समझाती हूँ आपको warm-up exercise. There are different rooms in a house. सबके घर में different rooms होते हैं. आपको क्या करना है? Draw lines to match the picture to the correct room. यहाँ पे कुछ pictures बनी हुई हैं और कुछ rooms के नाम दिए हुए हैं. आपको क्या करना है? Picture को अच्छे से देखना है और उस room से match करना है जहाँ पर वो काम आप करते हैं. सबसे पहली picture में क्या है? एक लड़की पढ़ रही है. तो हम पढ़ाई कहाँ करते हैं? Kitchen में, study room में, bedroom में या bathroom में? हम पढ़ाई करते हैं स्टडी रूम में. तो आप नंबर वन पिक्चर को किससे मैच करेंगे? स्टडी रूम से. रेस्ट ऑफ द पिक्चर यू विल लुक वेरी केयरफुली एंड मैच इट बाय योरसेल्फ. ऑल ऑफ अस नीड अ प्लेस टू लिव. अ हाउस इज अ प्लेस वेयर वी लिव एंड फील सेफ. इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन, विंड, स्टॉर्म एंड थीव. हम सबको रहने के लिए एक जगह की ज़रूरत होती है. हम कहाँ रहते हैं? हम सब घर में रहते हैं. वो जगह जहाँ पर हम अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं वो होता है हमारा घर. घर हमें बारिश, आंधी, तूफान, सर्दी, गर्मी और चोरों से बचाता है. डिफरेंट टाइप ऑफ हाउसेस. अब हम डिफरेंट टाइप ऑफ हाउसेस के बारे में पढ़ेंगे. वी मेक हाउसेस टू सूट आर नीड. हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से अपना घर बनाते हैं. पीपल लिव इन डिफरेंट टाइप ऑफ हाउसेस. लोग अलग अलग तरह के घरों में रहते हैं. कोई बंगलों में रहता है, कोई सिंगल स्टोरी घर में रहता है, किसी के घर डबल स्टोरी होते हैं, कोई फ्लैट्स में रहता है. तो अपनी सुविधा के अनुसार लोग घर बनाते हैं. अ कच्चा हाउस इज मेड ऑफ मड, स्ट्रॉ एंड वुड. इट इज नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग. जो घर मिट्टी या फिर किससे बने होते हैं? बांस से और लकड़ी से, उसे हम कच्चा हाउस कहते हैं. ये ज़्यादा मजबूत नहीं होते. अ पक्का हाउस इज मेड ऑफ ब्रिक, सीमेंट एंड आयरन एंड इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग. वो घर जो ईंट, सीमेंट और सरिये से बने होते हैं उसे हम पक्का हाउस कहते हैं और वो बहुत मजबूत होते हैं. देखिए, ये पिक्चर है कच्चा हाउस की और ये पिक्चर है पक्का हाउस की. तो हम लोग जिन घरों में रहते हैं वो पक्का हाउस होता है. वी स्टे इन आर हाउस फॉर मैनी ईयर्स सो वी लिव इन परमानेंट हाउसेज. हम अपने घरों में बहुत सालों तक रहते हैं इसीलिए हम उसे परमानेंट हाउस कहते हैं. दीज हाउसेस कैन नॉट बी मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. ये घर एक जगह से दूसरी जगह नहीं हिलते हैं या ऐसा नहीं होता कि इन घरों को उठाकर हम एक जगह शिफ्ट कर दें या किसी दूसरी जगह शिफ्ट कर दें. ऐसा नहीं होता. बंगलो एंड अपार्टमेंट आर परमानेंट हाउसेस. बंगलो और अपार्टमेंट क्या है? परमानेंट हाउसेस हैं. डू यू नो, क्या आप जानते हैं? पीपल हु रोम फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर आर कॉल्ड जिप्सीज. जो लोग एक जगह से दूसरी जगह घूमते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें जिप्सीज कहते हैं. सम पीपल कीप मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. दे मेक टेम्परेरी हाउस फॉर themselves. दीज हाउसेज कैन बी मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. टेंट, कैरावन एंड हाउस बोट आर एग्जाम्पल ऑफ टेम्परेरी हाउसेज. कुछ लोग एक जगह से दूसरी जगह
शिफ्ट होते रहते हैं या घूमते हैं, वो लोग कौन से घर का इस्तेमाल करते हैं? वो लोग टेम्प्रेरी हाउसेस बनाते हैं अपने लिए, जिसके उदाहरण हैं टेंट, कैरावन और हाउस बोट। अ टेंट इज मेड ऑफ थिक क्लॉथ। मैनी सोल्जर्स स्टे इन टेंट। पीपल हु ट्रैक द माउंटेन और गो फॉर कैंपिंग स्टे इन टेंट। टेंट कैसे बनता है? एक मोटे कपड़े का बना होता है। सिपाही किसका इस्तेमाल करते हैं? टेंट का इस्तेमाल करते हैं। वो लोग जो माउंटेन पहाड़ों की चोटियों पर चढ़ते हैं या फिर वो लोग जो कैंपिंग करते हैं, वो लोग भी किसका इस्तेमाल करते हैं? टेंट का इस्तेमाल करते हैं। पीपल हु कीप मूविंग फॉर अ सर्कस शो स्टे इन अ कैरावन। अ कैरावन हैज व्हील। कैरावन क्या होता है? ऐसा घर होता है जिसमें क्या लगे होते हैं? पहिए लगे होते हैं। इसे ईजली एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। जो लोग सर्कस शो करते हैं, कभी एक शहर में तो कभी दूसरे शहर में, वो क्या यूज़ करते हैं? वो कैरावन का यूज़ करते हैं। अ हाउस बोट इज़ अ वुडन हाउस दैट फ्लोट्स ऑन वाटर। हाउस बोट कैसा घर होता है जो पानी पर तैरता है? इन आर कंट्री इट इज़ मेनली फाउंड इन कश्मीर एंड केरला। हमारे देश में हाउस बोट कहाँ देखने को मिलती है हमें? कश्मीर और केरला में। टाइप्स ऑफ रूफ्स। अब मैं आपको डिफरेंट टाइप ऑफ रूफ्स बताऊंगी। एवरी हाउस नीड अ रूफ ओवर इट। हर घर को क्या चाहिए होती है? छत चाहिए होती है। डिपेंडिंग ऑन द प्लेस हाउसेस हैव डिफरेंट टाइप ऑफ रूफ। जगह के अनुसार हर घर में क्या होता है? डिफरेंट रूफ्स होती हैं। हाउस मे हैव फ्लैट और स्लोपिंग रूफ। कुछ घरों में फ्लैट रूफ होती है तो कहीं पर स्लोपिंग रूफ्स होती है। हाउसेस इन द प्लेन हैव फ्लैट रूफ। जो घर प्लेन एरिया में बनते हैं उनमें फ्लैट रूफ होती है। हाउसेस इन हिली एरिया हैव स्लोपिंग रूफ। और हिली एरिया के जो घर होते हैं उनकी स्लोपिंग रूफ्स होती है। क्यों होती है? सो डैट द स्नो कैन फॉल ऑफ ईजिली। ताकि उस पर बर्फ़ गिरे और वो ईजिली क्या हो? नीचे गिर जाए। इन सम प्लेसेस इट रेन और लॉट। कहीं जगह पर बहुत बारिश होती है। पीपल लिविंग देयर बिल्ड देयर हाउसेज विथ स्लोपिंग रूफ। जहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है वहाँ पर जो लोग रहते हैं वो अपने घर की छतों को कैसा बनाते हैं? स्लोपिंग रूफ बनाते हैं। Now I will tell you about a good house. अच्छा घर कैसा होता है? We must look after our house. हमें अपने घर को देखना चाहिए। We must keep it neat and clean. हम सबको अपने घर को बिल्कुल neat and clean, साफ सुथरा रखना चाहिए। A house should have, घर में क्या होना चाहिए? Empty out the waste paper basket every day. जहाँ पर भी आप कागज या अन्य कूड़ा डालते हैं उस बॉक्स को हमेशा रोज खाली करना चाहिए। डू नॉट थ्रो थिंग्स ऑन द फ्लोर। ज़मीन पर चीज़ें नहीं फेंकनी चाहिए। सपोज आपने कुछ खाया और उसका रैपर ज़मीन पर डाल दिया। नो, दिस इज़ वेरी बैड हैबिट। आपको कोई भी रैपर है या कोई भी फ्रूट का पील है, छिलका है, तो उसे डस्टबिन में डालना चाहिए। Keep your toys and books in their proper place. अपनी किताबों और खिलौनों को उनकी सही जगह पर रखना चाहिए। Plants and trees near by. अपने घर के आसपास पेड़ पौधे लगाइए जिससे साफ और शुद्ध हवा आए। Windows to let plenty of sunshine and fresh air. खिड़कियाँ हों जिससे ताज़ी हवा और सूरज की रोशनी आपके घर में आ सके। सूरज की रोशनी आना भी बहुत ज़रूरी है घर में, वरना क्या होगा? घर में सीलन की स्मेल आएगी, हर चीज़ सील जाएगी। आपने कहीं जगह देखा होगा दीवारें जहाँ पे मॉइस्चर रहता है, पानी की नमी रहती है, वो दीवारों पर क्या होता है? पपड़ी जमने लगती है। जो वाइट वॉश की होती है वो उतरने लगती है। नाउ टाइम टू टेस्ट योर स्किल। राइट टू एग्जाम्पल्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे कुछ नाम है, आपको सबके दो दो एग्जाम्पल लिखने हैं। जैसे टाइप ऑफ रूफ्स कौन कौन सी होती है? फ्लैट,
FLAT flat or sloping, SLOPPING sloping roof. Now number 2, 3, and 4 you will do by yourself. Now we will learn about क्लॉथ्स वी वियर, जो कपड़े हम पहनते हैं, अब हम उनके बारे में पढ़ेंगे. वी वियर क्लॉथ्स टू कवर आवर बॉडी. क्लॉथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, कोल्ड, विंड, रेन एंड इंसेक्ट. हम सब अपने शरीर को ढकने के लिए क्या पहनते हैं? कपड़े पहनते हैं. कपड़े हमें सर्दी, गर्मी, बारिश और इंसेक्ट, कीट पतंगों से बचाता है. We should always wear neat and clean cloth. हमें हमेशा साफ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए. We wear different cloths for different season. हम हर सीज़न में अलग अलग तरह के कपड़े पहनते हैं. गर्मियों में आप अलग कपड़े पहनते हैं, सर्दियों में आप अलग कपड़े पहनते हैं. तो चलिए उनके बारे में पढ़ते हैं. We wear cotton cloths in summer. हम गर्मियों में कॉटन के कपड़े पहनते हैं. क्यों पहनते हैं? कॉटन क्लॉथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डस्ट एंड हीट इन समर. कॉटन के कपड़े हमें गर्मियों में बचाते हैं. किससे? डस्ट से, धूल से और गर्मी से. वो हमें ठंडाई देते हैं. कॉटन के कपड़े पहनने से हम कैसा फील करते हैं? हम कूल फील करते हैं, ठंडा फील करते हैं. वी वियर वूलन क्लॉथ्स इन विंटर. सर्दियों में हम ऊनी कपड़े पहनते हैं. क्यों पहनते हैं? वूलन क्लॉथ प्रोटेक्ट अस फ्रॉम कोल्ड, दे कीप अस वार्म. वो हमें सर्दी से बचाते हैं. और ऊनी कपड़े पहनने से हमें क्या मिलती है? हमें गर्मा ही मिलती है. वी वियर अ रेन कोट व्हेन वी गो आउट इन रेन. वी ऑल्सो वियर गम बूट्स. अगर बारिश हो रही है, हम बाहर जा रहे हैं, तो हम क्या पहनते हैं? हम रेनकोट पहनते हैं और गम बूट पहनते हैं. क्यों? दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम गेटिंग वेट इन रेन. बारिश में भीगने से हमारी सुरक्षा करते हैं. वी ऑल्सो यूज एन अम्ब्रेला फॉर दिस पर्पस. बारिश से बचने के लिए हम छाता, जिसे हम अम्ब्रेला कहते हैं, उसका भी इस्तेमाल करते हैं. नाउ टाइम टू गो इन फ्लैशबैक. चलिए जल्दी से फ्लैशबैक में चलते हैं. A house is a place where we live safely. घर वो जगह है जहाँ पर हम सुरक्षित रहते हैं. A house keeps us safe from wheat, cold, rain, wind, thieves and wild animal. घर हमें बचाता है सर्दी, गर्मी, बारिश, चोरों से और जंगली जानवरों से. House may be temporary or permanent. कच्चा house और पक्का house. Different houses have different kinds of roof. A good house must be let in plenty of sunshine and fresh air. Cloths protect us from heat, cold and rain. कपड़े हमें बचाते हैं सर्दी, गर्मी और बरसात से. Now time to do some exercise. चलिए अब कुछ exercise करते हैं. Number 1, tick write the correct option. सही option पर tick का निशान लगाइए. A house protects us from. घर हमें बचाता है, हमारी सुरक्षा करता है. किससे? Heat, cold, rain, all of these. सर्दी, गर्मी, बारिश या फिर सबसे. Option D is correct. वो हमें सर्दी, गर्मी, बारिश सबसे बचाता है. Number 2, which of the following is a permanent house? यहाँ पे कुछ घरों के नाम दिए हुए हैं different types के. आपको ये बताना है उनमें से कौन सा परमानेंट हाउस है. टेंट, बंगलो, इग्लू और कैरावन. तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, बंगलो इज अ परमानेंट हाउस. नंबर 3 and 4 यू विल डू बाय योरसेल्फ. नाउ एक्सरसाइज बी, क्रॉस आउट द रॉन्ग ऑप्शन. यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट है, उसमें जो गलत ऑप्शन है आपको उसको क्या करना है? क्रॉस करना है. स्टार्ट करते हैं. वी फील सेफ अनसेफ इन आर होम. तो बताइए इसमें से क्या गलत है, सेफ या अनसेफ? हम अपने घर में कैसा महसूस करते हैं? हम सेफ महसूस करते हैं. तो गलत क्या है? अनसेफ. हम अनसेफ को क्रॉस करेंगे. नंबर 2, हाउस बोट्स आर फाउंड इन. हाउस बोट कहाँ देखने को मिलती हैं? कश्मीर में या दिल्ली में?
हाउस बोट हमें देखने को मिलती हैं कश्मीर में, तो दिल्ली क्या है, गलत है। नंबर थ्री, वी वियर कॉटन वूलन क्लॉथ इन समर। हम समर में कैसे कपड़े पहनते हैं, हम कॉटन क्लॉथ पहनते हैं, तो गलत ऑप्शन है वूलन, तो हम वूलन को क्रॉस करेंगे। नाउ एक्सरसाइज सी, फिल इन द ब्लैंक विद द गिवन वर्ड्स। यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, उनकी हेल्प से आपको फिल इन द ब्लैंक्स करनी है। नंबर वन, वी लिव एंड फील सेफ इन आर। हम कहाँ पर रहते हैं और अपने आप को सेफ सुरक्षित महसूस करते हैं, टेंट, फ्लोटिंग हाउस, कैरवन या हिली। तो करेक्ट आंसर है हाउस। नंबर वन में हम लिखेंगे हाउस, एच ओ यू एस ई, हाउस। नंबर टू, डैश एंड डैश आर टेम्प्रेरी हाउसेस। तो बताइए दो टेम्प्रेरी हाउसेस कौन कौन से हैं, इस ऑप्शन को देखिए और बताइए। यस यू आर राइट, टेंट एंड कैरवन। तो हम लिखेंगे यहाँ पे टी ई एन टी, टेंट एंड कैरवन, सी ए आर ए वी ए एन, कैरवन। नंबर थ्री, इन डैश प्लेसेस पीपल लिव इन वुडन हाउसेस। कहाँ पर लोग लकड़ी के घर बनाकर रहते हैं, हमारे पास दो ऑप्शन है, हिली या फिर फ्लोटिंग। तो करेक्ट आंसर है इन हिली, एच आई डबल एल वाई, पहाड़ी इलाकों में। नंबर फोर, अ हाउस बोट इज अ डैश हाउस। हाउस बोट कैसा हाउस है, हाउस बोट फ्लोटिंग हाउस है। तो हम यहाँ लिखेंगे एफ एल ओ ए टी आई एन जी, फ्लोटिंग। एक्सरसाइज डी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। माय डियर स्टूडेंट, यू विल रीड योर चैप्टर वंस अगेन एंड एक्सरसाइज डी यू हैव टू डू बाय योरसेल्फ। इन दिस चैप्टर वी हैव लर्न्ड अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ हाउसेस एंड क्लॉथ्स वी वियर। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।